नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन सिंह टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वेल्डिंग मशीन के बारे में कि कौन कौन से वेल्डिंग मशीन यूज किया जाता है और कितना कितना पावर सप्लाई लेता है और कितना कितना राड को मेल्ट करता है, कितने पावर में कितने राड को मेल्ट करता है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। वेल्डिंग मशीन तीन प्रकार का होता है। पहला है आर्क वेल्डिंग, दूसरा है गैस वेल्डिंग और तीसरा है मिग वेल्डिंग। तो हम आज बताएंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। ये देखिए, यहाँ से वेल्डिंग मशीन का ऑन ऑफ होता है। ये है एम्पियर मीटर, यहाँ से कम बेसी किया जाता है। और ये वोल्टेज मीटर है, यहाँ से 440 सप्लाई इसमें इन करता है, ये देखिए। और इसमें डीसी सप्लाई आउट करता है, अर्थ लिखाया है, हाई लोडर लिखा है। इसमें से डीसी सप्लाई बाहर आउट करता है, इसमें से आपस में वेल्डिंग किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से कम बेसी करंट किया जाता है। और ये देखिए, वेल्डिंग रॉड का नंबर है, इसमें 5 mm के वेल्डिंग रॉड से 180 से 220 तक वोल्टेज में मारा जाता है। 4 mm के रॉड से 140 से 180 और 15 के रॉड से 90 से 130 और 2.5 mm के रॉड से 60 से 85 वोल्टेज से वेल्डिंग मारा जाता है। और किसी भी मेटल को 4 एंगल से वेल्डिंग किया जाता है। पहला है वर्टिकल, दूसरा है एक्जेंटल, तीसरा है ओवरहेड और चौथा है फ्लैट। इस तरह से 4 एंगल में वेल्डिंग किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से अगला वीडियो में बताया था कि ये कहाँ लगता है। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।